अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की रेसिपी मैं बना रही हूँ थोड़ी सी नाइस सी ब्रिटिश रेसिपी है और जिसके लिए थोड़ा स्पेशल इंग्रेडिएंट्स वगैरह चाहिए होते हैं कि इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं कि मैं अच्छा ये सैल्मन फिश है, इसके फ्यू पीसेस हैं, हमारी फैमिली के लिए ये मोर देन इनफ है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ऐसा है कि जो पहले का जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट बना हुआ है वो मैं हल्का सा ऐसा कुछ लोग नहीं भी लगाते कि ऐसे ही सीधा फ्राई कर देते हैं और मुझे नहीं पसंद कि क्योंकि थोड़ा सा फिश में स्मेल आती होती है, तो मैं कहती हूँ कि फिश में किसी किस्म की स्मेल ना आए। तो मैं इसको ऐसे करके थोड़ी देर जिंजर गार्लिक वगैरह लगा के ये मोर देन इनफ है, तो ये लगा के और आगे मैं आपको बताती जाती हूँ कि और क्या हमने चीज़ें इसमें डालनी है और स्पेशल ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें जाएंगी। अच्छा, इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अभी फ़िश को आपके सामने सिर्फ जिंजर गार्लिक थोड़ा सा लगा के रखा है, वो नेसेसरी नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है, नहीं करना चाहते। पर्सनली मैं करना पसंद करती हूँ, हालाँकि जो सैल्मन फिश होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसके अंदर से इतनी स्मेल नहीं आती। अच्छा, फिश होगी, उसके बाद हलूमी हो गया, उसके बाद थोड़ी सी मैंने सामने ही रखी है ये माइल्ड चेटर चीज़ हो गई है और ये क्रम्पेट्स जो हैं आपको चाहिए। अब ये है कि एक आप खाना चाहते हो, दो खाना चाहते हो, जितना आपकी अपनी चॉइस है। तो ये तो मैं अपनी फैमिली के लिए बना रही हूँ तो इसलिए ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स हैं। उसके अलावा एग है, एग्स हैं और ये मैंने बाउल रखा हुआ है कि इसके अंदर डाल के बीट करने के लिए। तो अभी मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हलूमी के अंदर थोड़ा सॉल्ट ज़्यादा होता है तो मैं थोड़ा सॉल्ट कम रखने की कोशिश करूँगी कि सॉल्ट कम हो। अभी से मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर फिश के ऊपर डाल देती हूँ। तो ये हम हल्के से ऑयल के अंदर जो है हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब मैं पहले अंडों को थोड़ा सा बीट कर लूँ, जितने मुझे रिक्वायर है पूरी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग जितने आप चाहते हो एग्स डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। इसके अंदर एज यूजुअल थोड़ा सा सॉल्ट गया, ब्लैक पेपर जाएगी, यस, और ब्लैक पेपर्स के बाद इसके अंदर पहले इसको मैं थोड़ा सा बीट कर लूँ ना, फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चीज़ डालेंगे। है ये क्वाइट हैवी नाश्ता है, अगर ये कर लिया तो फिर आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि काफ़ी इसके अंदर चीज़ें डलती हैं। अच्छा, तो मैं चीज़ जब इसको अंदर पकाऊंगी थोड़ी सी चीज़ मैं उस टाइम डाल दूंगी, अभी डालनी है तो अभी डाल लें। और ये एक काम फिनिश हुआ हमारा। अब दूसरा अभी मैं हलूमी को भी काट के रख लेती हूँ और अगर जितना आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के ना आप इसको रख सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा हल्का सा वो शेलो फ्राई सा करूँगी। जितने मुझे रिक्वायर हैं इसके पीसेस, ये हो गया थोड़े में, क्योंकि बहुत अगर मैंने पतले इसके पीसेस काटे ना तो ये टूटना शुरू हो जाती है। तो मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, ये मैं कह रही हूँ ये ऐसी शेप क्यों बन रही है, थोड़ा सा ऐसी इसकी इधर से शेप है, डजंट मैटर। मैं कार्ड सारा देती हूँ और जितना मुझे इस्तेमाल करना हुआ मैं इस्तेमाल कर लूँगी, बकाया हम जो है इसको स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। ये भी कट किया हमारा। क्रम्पिट्स को आप टोस्टर के अंदर आप जैसे टोस्ट करते हैं वैसे आप कर लीजिएगा। अभी हम जो है ताने के सिलसिले की तरफ चलते हैं। अच्छा, चलिए फिश को, इसको देखें कुछ भी लटर पटर मैंने इसको नहीं लगाया, इसको मैं हल्की सी आंच से इस
इसको मैं हल्का सा जैसे ऐसे कलर ही आना है, हल्का सा उसी जो ऑयल बचा हुआ है ना, क्योंकि नॉन स्टिक पैन है तो उसी के अंदर मैं इसको करने की कोशिश करूँगी कि इसी में हो जाए गैस से, तो इतना खास इसको पकाना शिकाना नहीं है। अच्छा, अब ऐसा कलर आ गया है, डार्क नहीं करना, लाइट सा आ गया है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद हम एग फ्राई करते हैं। आज का ब्रेकफास्ट मेरा रेडी हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं क्रम्पिट्स हैं और साथ हलूमी हैं, और इसके साथ मैंने एग्स बनाए हैं और साथ सैल्मन फिश बनाई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, और कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन का आप बेल दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको फर्दर रेसिपी के लिए आपको वेट ना करना पड़े और आपको जो है स्ट्रेट अवे रेसिपी आपके पास आ जाए या कोई मेरा नया व्लॉग आ जाए। तो इसी तरह से मुझे सपोर्ट करें, मोहब्बत करें, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।